हेलो एवरीवन, मैं निहारिका फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नया वाला रेसिपी लेके। और मेरे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत सारा स्वागत मैं करती हूँ। और मैंने आज बनाई थी ये कॉर्न पालक कटलेट, जो मैं मेरे बेटे के शाम के स्नैक्स के लिए बनाई थी। तो बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है ये कॉर्न पालक कटलेट, जिसमें किसी भी तरह का मसाला का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पालक के पत्ते। पत्तियों को मैंने अच्छे से धो लिया है और इनको बस मैं राफली चॉप कर लूँगी। और ये जो रेसिपी है, ये आप इवनिंग स्नैक्स पे अगर किसी को सर्व करेंगे, डेफिनेटली वो आपका बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो मेरा पालक जो है वो चॉप हो गया है। यहाँ पे मैंने स्मैश्ड पोटैटो लिया है, यानी आलू को उबाल के मैंने मैश कर लिया है, और उसमें दिया है थोड़ा सा हरा मिर्चा चॉप करके, और जो पालक की पत्तियों को मैंने चॉप किया था वो भी ऐड कर दिया है, दे दिया है नमक स्वाद अनुसार। अभी मैं हाथ को अच्छे से धो के इनको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इस तरह का जो मिक्सिंग है हाथों से ही अच्छे से होता है। तो हाथ से मैं अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी पहले। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड ऐड कर रही हूँ। बस हाथ से तोड़ के ही मैं ब्रेड को इस पे दे दूँगी, और अच्छे से मिला लेने से मिक्स्ड हो जाएगा। तो हाथ से फिर से मुझे इनको मिक्स कर लेना है। और अभी मैं ऊपर से दे रही हूँ स्वीट कॉर्न, जो बाज़ार में मिलता है वही, बस मैंने ऐसे ही ऐड किया है, ना तो उबाला है ना कुछ, बस ऐड कर दिया है। अभी फिर से हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। ट्रस्ट मी, ये बहुत एक क्रांची सा क्रिस्पी सा कटलेट रेडी होता है, बहुत सुंदर होता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं हाथ में थोड़ा सा तेल दे के छोटा छोटा कटलेट के शेप में मैं इनको बना लूँगी। इस तरह से हाथ में मैंने थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लिया है, और इस तरह से मैं छोटे छोटे कटलेट के शेप में इनको रेडी कर लूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू स्टे कनेक्टेड विथ मी। संडे से ही शायद रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो इस तरह का जो कटलेट के रेसिपी से आप चाहे तो आप इफ्तार में भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके मेरा जो कटलेट से इनको बना लेती हूँ। अगर आपका मन हो तो आप थोड़ा सा प्याज भी इस पे ऐड कर सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरा जो सारा मिनी कटलेट्स है वो रेडी हो गए हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और इन पे मैंने पानी दे के एक मीडियम सा बैटर बना लूँगी। यहाँ पे मैंने एक प्लेट पे ब्रेड क्रम्स को स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि ब्रेड क्रम्स के ऊपर हमको जो हमारा काटलेट है इनको रोल करना है। तो पहले मैं काटलेट्स को जो कॉर्नफ्लावर का बैटर है इस पे डिप किया है, और उसके बाद अच्छे से मैं ब्रेड क्रम्स के ऊपर इसको कोट कर लूँगी। एक एक करके मैं सारा जो मेरा कटलेट है इनको इस तरीके से पहले कॉर्नफ्लावर के बैटर पे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के ऊपर कोट कर लेना है। तो मैं सारे रेडी कर लेती हूँ।
यहाँ पे मेरा सारा जो कटलेट्स है वो रेडी हो गए हैं। कढ़ाई में तेल गरम बिठा दिया है। एज यूजल मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक बार का तेल और दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं कमती तेल में ही करने की कोशिश करती हूँ। तो ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा तेल दे रही हूँ कटलेट के ऊपर, ताकि ऊपर भी अच्छे से सेट हो जाए। और गैस का जो फ्लेम है मैंने लो टू मीडियम रखा है, ताकि जो कटलेट है वो भी अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाए, नहीं तो ऊपर से लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो एक एक साइड को मैंने 2-3 मिनट रखा, फिर फ्लिप किया, फिर रखा, फिर फ्लिप किया। इस तरीके से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। कढ़ाई की कैपेसिटी के ऊपर आप कटलेट दीजिएगा। मेरा कढ़ाई छोटा है तो मैं एक एक करके इस तरीके से इनको तल रही हूँ। बच्चों को इस तरह का जो कटलेट्स वगैरह है बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मैं कोशिश करती हूँ उसको उसका पसंदीदा जो उसका रेसिपीज़ है उसका पसंदीदा रेसिपीज़ मैं उसको सर्व करूँ। तो यहाँ पे रेडी हो गया है मेरा ये कॉर्न पालक कटलेट, जिसके ऊपर मैंने कुछ प्याज की लच्छे भी रखा है और साथ में एक हरा मिर्चा। तो मैं आज लेती हूँ आप लोगों से विदा, फिर से मिलूंगी कल। टिल देन बाय बाय।